हेलो दोस्तों, तो आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट धन एप्लीकेशन में तो आप अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आपको लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। वो भी है सारा प्रोसेस आज मैं आपको लाइव मार्केट में करके दिखाऊंगा लाइव प्रोसेस के साथ। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में धन एप्लीकेशन का लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आप देख सकते हैं आपके सामने नीचे की ओर पांच ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पास मैंने इंट्राडे में स्टॉक बाय करके रखा हुआ है, जिसको देखने के लिए हम यहाँ पास ऑर्डर में चले जाते हैं। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास हम पोजिशन में आएंगे। तो पोजिशन में देख सकते हैं मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक स्टॉक बाय करके रखा हुआ इंट्राडे में, जिसमें मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा। आप यहां पर ऑर्डर में भी जाकर कंफर्मेशन कर सकते हैं। मैंने आप इंट्राडे के स्टॉक्स बाय करके रखा हुआ है, जो कि मैंने आज ही बाय किया इंट्राडे में। अब मैं आपस पोजीशन में चले जाता हूं। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो अपने पोजीशन में आ जाना है। अब आप जिस पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पास एग्जिट पोजीशन में क्लिक कर लेना है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अब यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे, एकदम ही सिंपल प्रोसेस है। आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज बताने वाला हूँ। तो अब आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आपने ट्रेडिंग में बाय किया था तो ट्रेडिंग में सेलेक्ट है। आप यहाँ पास अपना क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। अगर आप 10 बार क्वांटिटी लेके रखें, आप चाहते हैं कि सिर्फ 5 या 6 क्वांटिटी को भी सेल करेंगे, तो आप यहाँ पास 5 6 क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। यहाँ पास मेरे पास मैक्सिमम क्वांटिटी एक ही है, क्योंकि मैं यहाँ पास नहीं कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है, नहीं कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है। मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए एक क्वांटिटी बाय करके रखा हुआ था। तो यहाँ पास मेरे सामने एक ही क्वांटिटी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। अब यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए नॉर्मल चेंजेस करना है, सिर्फ एक ही चेंजेस करना है। यहाँ पास आपको ऑर्डर डिटेल्स में सिर्फ ट्रिगर प्राइस सेलेक्ट कर लेना है। ट्रिगर प्राइस सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में लिमिट प्राइस एंड ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पास बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पास ऊपर में भी लिमिट प्राइस का ऑप्शन है और नीचे भी लिमिट प्राइस का ऑप्शन है, तो आप कोई भी एक लिमिट प्राइस को चेंज कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक दूसरा लिमिट प्राइस चेंज हो जाएगा। वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। अब जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट प्राइस चल रहा है 123.58 रुपए। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिर कर 120 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल कर दूंगा। तो यहाँ पास हमें लिमिट प्राइस में सबसे पहले 120 रुपए लिख लेना है। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में सबसे पहले 120 रुपए लिख लूंगा। लिमिट प्राइस में 120 रुपए लिखने के बाद अब हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ट्रिगर प्राइस को चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ पास आपका इंस्टेंट सेल का ऑप्शन ओपन ही नहीं होगा। अब यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस को चेंज करना कैसे, अब मैं आपको वो भी चीज करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को लिख लेता हूँ 120 रुपया। अगर मैंने यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को 120 रुपए लिखा तो यहाँ पास आप देख रहे हैं इंस्टेंट सेल का ऑप्शन अभी भी ब्लर है, मतलब कि इंस्टेंट सेल का ऑप्शन अभी ओपन नहीं हुआ है। इसका मतलब हम अभी स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब यह है कि लिमिट प्राइस से आपको ट्रिगर प्राइस को थोड़ा बड़ा लिखना ही होता है, चाहे वो 10 पैसे का बढ़ाओ, 50 पैसे का बढ़ाओ, चाहे 1 रुपए का बढ़ाओ। अभी मैं आपको डेमो करके दिखाता हूं। अगर मैं इसको यहां पास 10 पैसे का बढ़ा लिखता हूं तो यहां पास आप देख रहे हैं इंस्टेंट सेल का ऑप्शंस इमीडिएट ओपन हो जाएगा। जैसे मैं इसको 10 पैसे किया तो यहां पास आप देख रहे हैं इंस्टेंट सेल का ऑप्शंस तुरंत ओपन हो चुका है। तो दोस्तों आपको याद हमेशा रखना है, स्टॉप लॉस लगाते टाइम आपको ट्रिगर प्राइस को हमेशा बड़ा लिखना होता है लिमिट प्राइस से, चाहे वो 10 पैसे का बढ़ाओ, 20 पैसे का बढ़ाओ या फिर 1 रुपए का बढ़ाओ। वो आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा लिखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहां पास लिमिट प्राइस को 120 रुपए लिखा, ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 120 रुपए 10 पैसा। अब मैं आपको ऊपर को लेकर चलता हूं। हमारा ऊपर वाला लिमिट प्राइस भी ऑटोमेटिक चेंज हो चुका होगा। तो यहां पास आप देख रहे हैं हमारा ऊपर वाला लिमिट प्राइस ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। इसको हमने चेंज किया तो वो भी चेंज हो चुका है। तो एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस लगाना। अब आपको सिर्फ इंस्टेंट सेल में क्लिक कर देना है तो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और आपका पेंडिंग ऑर्डर लग जाएगा। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, मतलब कि आपका ऑर्डर भी पेंडिंग है, अभी एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है। उस पॉइंट में आएगा तो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक सेल हो जाएगा। तो एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस लगाना। तो यहां पास आप देख रहे हैं हमारा 120 रुपए का स्टॉप लॉस लग चुका है। यहां पास लिखा हुआ है 120 रुपए, नीचे में लिखा हुआ है ट्रिगर पेंडिंग, सेल के लिए लगा हुआ है इंट्राडे में, कितने क्वांटिटी के लिए, एक क्वांटिटी के लिए लगा हुआ है एनएससी में। तो एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस लगाना इंट्राडे में। तो दोस्तों अब यहां पास हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी करके दिखाऊंगा। तो अब आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए सिंपली ऑर्डर में आ जाना है और अपने पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहां पास आपको सेकंड ऑप्शन मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है।
मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद अब जैसे कि मैंने सबसे पहले लगाया था 120 रुपए का स्टॉप लॉस, अब मैं इस स्टॉप लॉस को बढ़ाकर 121 रुपए के लिए लगाना चाहता हूं। तो यहां पास आपको सबसे पहले लिमिट प्राइस में 120 रुपए को 121 रुपए लिख लेना है। तो यहां पास मैं इसको 121 रुपए लिख लूंगा। लिमिट प्राइस को 121 रुपए लिखने के बाद अब हमें यहां पास ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करना पड़ेगा। यहां पास अब देखकर हमारा स्टैंड सेल का ऑप्शन ब्लर हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारा लिमिट प्राइस बड़ा है और ट्रिगर प्राइस छोटा हो चुका है। तो अब हमें ट्रिगर प्राइस को भी लिमिट प्राइस से बड़ा लिखना होगा। तो इसको भी मैं यहां पास 121 रुपए 10 पैसा लिख लेता हूं। तो यहां पास जैसे ही मैंने ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा लिखा तो यहां पास हमारा इंस्टेंट सेल का ऑप्शन ओपन हो चुका है। अब मैं यहां पास इंस्टेंट सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो यहां पास हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाइड आसानी से हो जाएगा। यहां पास आप देख रहे हैं पहले हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर 120 रुपए के लिए लगा हुआ था, वो अब 121 रुपए के लिए लग चुका है। तो एकदम ही सिंपल है स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाइड करना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं इस वीडियो के अंत में आपको लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। तो अब आपको कैंसिल करना कैसे है? आपको सिंपली ऑर्डर में आकर पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहां पास आपको तीसरे नंबर वाला ऑप्शन कैंसिल में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहां पास आपको राइट टिक में क्लिक कर लेना है। तो यहां पास आपका पेंडिंग ऑर्डर इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा। यहां पास आप देख रहे हैं पहले हमारे सामने सक्सेस और पेंडिंग करके शो हो रहा था, वो अब सक्सेस और कैंसिल का ऑप्शन बस शो हो रहा है। तो यहां पास आपको कैंसिल में वही ऑप्शन दिखेगा जो हमने स्टॉप लॉस लगाकर कैंसिल किया था, वही आपको यहां पास कैंसिल में शो करेगा। और सक्सेस में हमने जो बाय किया था एग्जीक्यूटेड हुआ था वो यहां पास शो करता है। वहीं अगर अब मैं यहां पास आपको पोजीशन में लेकर चलता हूं तो पोजीशन में अभी भी हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पोजीशन बना हुआ है। मैंने यहां पास स्टॉप लॉस को कैंसिल किया है तो हमारा पोजीशन स्क्वायर अप नहीं हुआ है। बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है कि स्टॉप लॉस को कैंसिल करने से हमारा पोजीशन स्क्वायर अप तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पास मैंने आपको इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाया, उसको मॉडिफाइड करके दिखाया, प्लस उसको कैंसिल भी करके दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।